हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक। यह है 8.4.2 का वीडियो। शुरू करते हैं यहाँ पे। एंड जो बॉस फाइट करने वाला हूँ वो होने वाली है ब्लैक कैट के साथ होने वाली है। एंटर करते हैं। ओके, तो गाइज मैं यहाँ पे एंटर कर चुका हूँ। एंड जो पाथ हम लेने वाले हैं वो होने वाला है मॉडो वाला। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है। हमें यहाँ पे पेट्रीफाइड डीबफ लगाना है सामने वाले पे। अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि जो सामने वाला है वो 30% हमें फिजिकल डैमेज प्रोवाइड कर सकता है। अगर पेट्रीफाइड डीबफ होगा तो ये सब नहीं होगा। पेट्रीफाई लगा दो। पेट्रीफाई लगाने के तरीके क्या है यहाँ पे। यहाँ तो स्लो डालोगे तो पेट्रीफाई लग जाएगा। डीसेल रेट डाल दोगे वो भी लग जाएगा। टॉन्ट डालोगे, ये तीन डालोगे, टॉन्ट, डीसेल रेट और स्लो, ये तीन डीबफ डालोगे तो पेट्रीफाई 20 सेकंड के लिए एक्टिवेट हो जाएगा इस पे। और सामने वाला द डिफेंडर हैज 100% इंक्रीज एबिलिटी फॉर ईच नॉन डैमेजिंग डीबफ रिड्यूसेस पोटेंसी। जब भी नॉन डैमेजिंग डीबफ डालेंगे हम इन पे तो रिड्यूस करेगा वो पोटेंसी, रिड्यूस कर देगा इसकी एबिलिटी एक्यूरेसी, गिरा देगा। और जब भी हमारे ब्लॉक पे हिट करेंगे 10% इनकी पावर इंक्रीज हो जाएगी। और व्हेन द डिफेंडर स्ट्राइक्स जब भी हमारे ब्लॉक पे हिट करेंगे तो क्या होगा कि 700% ये रीजन कर जाएंगे। इसलिए हमें ब्लॉक पे हिट नहीं करवाना है बार बार। द डिफेंडर हीलिंग एंड रीजनरेशन इफेक्ट गेन 100% पोटेंसी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो यार गाइस, जो बॉस से फाइट होने वाली है वो होने वाली है ब्लैक कैट। अब यहाँ पे क्या है कि ये हमको ब्लॉक से भी क्रिटिकल हिट प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन हम ये अगर इसको हम इंटरसेप्ट करते हैं या अगर डेक्सटेरिटी करते हैं तो 6 सेकंड के लिए हम इसको इसकी एबिलिटी को प्योर वो कर देंगे, पॉज कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। और जब भी हमारे को एक बार ऑफ पावर या इसको एक बार ऑफ पावर मिलेगा तो इसे एक चार्ज मिलेगा प्योरीफाई करने वाला। जब भी इसका तो ये चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो सकते हैं। और जब भी इसको एक चार्ज मिलेगा प्योरीफाई करने वाला, साथ ही साथ इसका पावर गेन भी होता रहेगा, 5-5% बढ़ता चला जाएगा। और हर सेकंड इसका कॉम्बो मीटर इंक्रीज होता रहेगा। अगर हम इंटरसेप्ट करते हैं तो इसका जो टाइमर है वो पॉज कर सकते हैं 10 सेकंड के लिए। ठीक है, द अटैकर कॉम्बो, हमारा जो कॉम्बो जो हमारा पावर रेट है वो 60% इंक्रीज हुआ है, लेकिन साथ ही साथ हमारा 1.10% डिक्रीज भी होता रहेगा। ओके। यह है कि हमें इंटरसेप्ट करना है, बस यही चीज हमें ध्यान में रखनी है। चलो फाइट करते हैं। पहली फाइट हमारी मॉडो के साथ है, तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ शांगची को लेके जाओ। यार शांगची का मैं रैली की नहीं बाइंड करके लाया हूँ यार। अब शांगची नहीं लेके जाएंगे, अब मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। निक फ्यूरी लेके जाऊँ क्या? निक फ्यूरी से लेकिन हमको पहले टैक्टिकल चार्ज बनाने पड़ेंगे। एक चीज है, स्लो, डिसेलरेट और टॉन्ट डालना है ना। स्लो तो हम इससे डाल सकते, सिल्क से हम स्लो डाल सकते हैं इसको, लेकिन एक चीज वो भी है ना कि हमें इसको पहले स्टन करना पड़ेगा। बात वो, चलो देखते क्या होता है। ओके, फिलहाल मारते हैं इसको। देखो जो फिजिकल डैमेज है हमें मिल रहा है। ये डाला हमने स्लो, अब पेट्रीफाई लग चुका है तो अब फिजिकल डैमेज हमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा। बात ये है, स्लो डाल रखा है तो इवेट भी करेगा नहीं हरामी। मार ले, कोई बात नहीं, स्पेशल मार ले यार, तेरा मन कर रहा है तो मार ले। चलो दो फ्यूरी पे हम स्पेशल 2 मारते हैं इसे, देखते हैं क्या होता है। 76% से पहुंचेगा 65 पे। ठीक है, पेट्रीफाई देख रहे हो आप लोग कितने हैं। अब अगर ये रीजन करता भी है तो हम इसका रिवर्स तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इसका रीजनरेशन को रोक लेंगे। और रीजनरेशन ये करेगा अगर हमारे ब्लॉक पे हिट करता है तो। ओके, यहां पे हमने, बेटा मार ना, स्पेशल मारता क्यों नहीं है। मार, अब मार ले। पावर ड्रेन हो रहा है सामने वाले का, पता नहीं कैसे। ओके, स्पेशल थ्रो कर दिया है मैंने, अच्छा पेट्रीफाई की वजह से। हाँ ओके, फिर से हैवी स्पैम करेंगे। अरे यार सिल्क से मेरे को लगता है चीज हो जाएगा ये पाथ। ओके, यहां पे हम एक फ्यूरी के साथ में स्पेशल 2 मार रहे हैं एंड मुझे लगता है ये मर जाएगा। अब मर गया। ओके, नेक्स्ट फाइट जो है वो है हमारी क्या नाम है इसका। ओके, ये फाइट है हाइपीरियन के साथ में। यहाँ पे हम एडम वॉरलॉक का यूज करेंगे। एडम वॉरलॉक टॉन्ट डीबफ डालता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसको पेट्रीफाई मिलेगा एंड हम को इसको मारना इजी हो जाएगा।
बस हमें इसके ब्लॉक पे हिट करना है 3 बारी, लेकिन हरामी करने ही नहीं दे रहा। चलो पेट्रीफाई आ गया, अब यहां पे हम इसको धड़ाधड़ मार सकते हैं। बेटा स्पेशल, हाँ यही तो मैं चाह रहा था, स्पेशल मारे तू। ये मारा हमने साथ में स्पेशल, एंड अब ये स्पेशल थ्रो करेगा ही करेगा। ओके थोड़ी गलती हो गई लग रहा है। अरे नहीं यार, इसको स्पेशल 3 पे पुश कर दिया मैंने। ओके पहले मेरे को टॉन्ट डालना पड़ेगा इसको। अरे यार मैंने इसको फिर से स्पेशल 3 पे पुश कर दिया यार, क्या कर रहा हूं मैं यार। अब मर गया यार। चलो शांगशी से पहले स्लो डालना है, डाल दिया स्लो। रिफ्रेश करते हैं, अब भी स्पेशल थ्रो करना चाहिए, कर दे भाई। ओके कोई बात नहीं, यही साला लपेट देगा मेरे को लग रहा है। ओके भाई आप स्पेशल थ्रो कर देना, बस कर दे स्पेशल। हाँ ये मारा हमने स्पेशल 2, 2 पेट्रीफाई डाल रखे बंदे में। ओके एक और डालते हैं, ये मारा हैवी, चार्ज रिसेट, स्पेशल थ्रो कर दे भाई, बढ़िया। ओके ये चार्ज किया रिसेट, चलो अब मैं मरेगा। ओके चलो डन हो गई फाइट, साला एडम वॉरलॉक खा गया मेरा। नेक्स्ट फाइट डूम से है। ओके यहां पे मैं सिल्क से भी मार सकता था इसे, लेकिन एबोमिनेशन से ट्राई करते हैं। चलो हम स्पेशल 1 पहले स्पैम करना होगा, क्यों करना होगा वो भी बताता हूँ, क्योंकि वहां पे हम पेट्रीफाई डाल पाएंगे। वेट अ सेक, इसका ऑरा हमने खत्म किया, पेट्रीफाई डाला, अब क्या होगा कि हमें बार बार स्पेशल 1 ही वैसे स्पैम करना है यार। यहाँ पे स्पेशल थ्रो कर ले भाई कुत्ते, स्पेशल मार ले। ओके यहाँ पे हमने एक और स्पेशल या थ्रो, अब इसका स्पेशल 1 ही मैं चाहता हूँ मारे। अगर मेरे ब्लॉक पे टच करेगा ये तो इसका पावर गेन होगा, वो मैं नहीं चाहता। पेट्रीफाई रहेगा तो ऑरा अब तो एक्टिवेट नहीं होगा। अरे नहीं शिट, पेट्रीफाइड वापस से रीएक्टिवेट कर रहे हैं, टाइम लगेगा इस फाइट में। मैं सोच रहा था अपना ओरा मारूं उसको पॉइजन वाला। ओके स्पेशल 1, टाइम भी खराब कर रहा ना बीच बीच में। ओके ओके नहीं मेरे को स्पेशल 1 स्पैम करना पड़ेगा वरना मुझे डैमेज मिलेगा। ओके पेट्रीफाई तो डाला मैंने। ओके शायद इस बार स्पेशल 2 पड़ जाए, लेकिन स्पेशल 1 स्पैम कर पहले। अरे करो फिर से वही हरकत है यार, सेल को लाना चाहिए था, लपेट देती है अभी तक। ओके पेट्रीफाई है इसको, एक और पेट्रीफाई डाल रहा हूँ। एसिड बर्न से ही काम बनेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। एक हैवी, नाइस,
फिर से पेट्रीफाई। नाइस। अरे भाई गलत कर दिया तूने, स्पेशल टू एक्टिवेट हो जाएगा साले का। अबे यार डायरेक्ट पड़ गया भाई, गेम ही ओवर हो गई। ओके ये हमारा स्लो डिबफ पेट्रीफाई डाल दिया हमने, ये हमारा यहाँ पे हैवी, एक और हैवी स्पैम करते हैं। चार्ज खा गया मेरे, मार स्पेशल कोई बात नहीं। ये हमारा एक और हमने हैवी सिल्क से ना बहुत आसान हो गया है डूम को मारना अब, वरना डूम से डर लगता था भाई पहले। ओके अच्छा मैंने सिल्क को बचा रखा है फिलहाल मोजो के लिए, क्योंकि आगे मोजो से फाइट है हमारी। ओके ये फाइट है शांगची से, एंड सबसे पहले तो हमें स्लो डिबफ डालना होगा पेट्रीफाई डालने के लिए। ये डाला हमने, रिफ्रेश किया अपने चार्ज। अरे नहीं अब तू साले स्पेशल टू पे मत पहुंच जाना यार, तेरा अलग चों चले है भाई। स्पेशल थ्री पे, सॉरी स्पेशल टू मारेगा तो बढ़िया ही रहेगा मेरे लिए। ओके एक और स्लो डालते हैं इस पे, ये हमारा हैवी। ओके ये हमारा स्पेशल टू, मेरे को प्यूरिफाई करने पड़ेंगे थोड़े बहुत। ओके प्यूरिफाई डाला। अबे तेरी तो ऐसी की तैसी, पेट्रीफाई डाल दो, हैवी मार दो, प्यूरिफाई डालने हैं। पेट्रीफाई साथ में ही स्पेशल टू। ओके मेरे को प्यूरिफाई डालना पड़ेगा फिर से, पेट्रीफाई। अबे नहीं यार स्पेशल मार तू, ये हमारा हैवी। यार रैलिक को लाना चाहिए था मेरे को। ये हमारा स्पेशल टू अगेन, नाइस नाइस। ये किया प्यूरिफाई, ये डाला हैवी, ये डाला स्लो। भाई यार कितना स्पैम करेगा भाई, एक तो साला डेक्स, इसका डेक्स भी बड़ा स्लो करना पड़ता है। ओके ये हमारा हैवी। ओके स्पेशल थ्री पे नहीं जाना था यार, चलो मार ही देते हैं अब, स्पेशल थ्री आया है तो मार लेते हैं, मरने वाला है वैसे तो। ओके अगेन स्लो, ये डाला हैवी, मर जा भाई अब तो मर जा यार। चलो गेम ओवर एंड चलते हैं नेक्स्ट फाइट पे। मोजो से फाइट है भाई, पहले तो हमें डालना पड़ेगा स्लो, एंड इसके सारे स्पेशल्स भी तो स्पैम करने हैं। खा गया मेरा इवेट चार्ज, आते आते ही खा गया। शिट। ओके ये डाला हमने एक और स्लो, चलो स्पेशल टू स्पैम करना है। ये हमारा स्पेशल टू, अच्छी बात यह है कि हमारा वेट चार्ज वापस आ गया है। ओके अबे तेरी, मैंने डेक्स किया हुआ नहीं पीछे। ओके एक और हैवी स्पैम कर सकते हैं, एक और स्पेशल टू ठोकने का समय है।
चलो इवेंट चार्ज वापस आ गए हैं तो हम इसको स्पेशल टू पे पुश भी कर सकते हैं। पेट्रीफाई की वजह से ये साला वो भी नहीं कर पा रहा है स्पेशल टू। कोई बात नहीं, वेट है हमारे पास। एक और स्पेशल टू मारने का समय। अरे यार मैंने रेलिक यूज करना था, मैंने अपना यही यूज कर लिया। ओके वेट चार्ज नहीं है अभी, चलो रैली की यूज करते हैं एंड इसको मारते हैं। इसके बाद है ग्रीन गोब्लिन से फाइट, वो भी तगड़ी होने वाली है। ओके ये है ग्रीन गोब्लिन, तो पहले तो स्लो डालना है। चलो हमने पेट्रीफाइड डाल दिया, अब हमको डैमेज जो है वो तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा एटलीस्ट। इसको स्पेशल टू पे ही पुश करने वाला हूँ मैं। ओ रिजनरेशन रिवर्स भी कर सकते थे, मेरे को नहीं पता था। ओके इतने पेट्रीफाई होने का फायदा यही है कि रिसाले को जब भी मेरे ब्लॉक पे हिट करेगा डैमेज इसी को मिलेगा। स्पेशल टू का समय है 60 कितने परसेंट पे है अभी, 54% पे मारा, अच्छी बात है हमारे पास चार्ज है। ओके एक और हैवी मार सकते हैं अभी, एक और हैवी मार सकते हैं हम। ओके वेट चार्ज हो गए हमारे कंज्यूम। ओके जितना मेरे स्पेशल मेरे को ब्लॉक पे मारेगा उतना डैमेज इसको ही मिलेगा, क्योंकि हमने इतने ज्यादा पेट्रीफाई डाल रखे हैं, हमारे लिए इजी है। ओके ओ मर गया, चलो नेक्स्ट फाइट पे। अब बॉस फाइट है 8.4.2 के बॉस के साथ फाइट है, वो है ब्लैक कैट। यहाँ पे हमें क्या खेलना है, हमें इंटरसेप्ट खेलना है ताकि इसका जो गारंटी क्रिटिकल हिट है वो हम 6 सेकंड के लिए पॉज कर पाए, और हम जब इंटरसेप्ट करेंगे तब शायद से हमारा वो भी होगा, शायद से हमारा अटैक रेट बढ़ने वाला था कि नहीं, वैसे भी बड़ा हुआ है हमारा। क्लीन से इफेक्ट मिलेंगे। ओके ठीक है कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई विद किटी प्राइड। ओके अरे नहीं, इवेड करना किसने बोला आपको। इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा ना मैं इसको। हाँ अब हुआ ना क्रिटिकल हिट इसके बैन। ओके नहीं 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 स्पेशल टू स्पैम करवाते हैं, रुको ये मारा हमने स्पेशल टू अपना। ओके नाइस ये मारा एक और हमने। ओके स्पेशल टू स्पैम करवाते हैं। ओके ओके एक और स्पेशल टू पे पुश करते हैं इसको। स्पेशल टू इजी लगता है मुझे इसका डेक्स करना एज कम्पेयर टू स्पेशल वन। हमारा भी स्पेशल टू वैसे रेडी है। ये हमारा हमने इंटरसेप्ट पे नाइस, एक हैवी स्पैम करने वाला हूँ ताकि डिस्टेंस मेंटेन हो, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन हो। स्पेशल टू स्पैम करवाएंगे हम फिर से एंड उसके बाद में पूरा रोटेशन फिर से मारेंगे। ओह नो ओह शिट, क्लीन से इफेक्ट है उसको, रुको ये खत्म होने दो मैन। अरे नहीं 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, डैमेज मेरे को मिल रहा है, मुझे अपने प्रोवर्स गेन करने पड़ेंगे। नहीं एक मिनट गाइस,
यहाँ पे मैंने प्रॉफिट्स गेन किए एंड इसको मैंने स्पेशल टू पे कर दिया स्पैम। ओके सॉरी गाइज, ये बीच में कॉल आ गया था एंड आई थिंक ये फाइट एंड हो चुकी है एंड गेम भी ओवर हो चुका है। 8.4.2 भी हमने सोलो कर लिया आराम से एंड किटी प्राइड की हेल्प से। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, लाइक कमेंट जरूर करो, सब्सक्राइब करना आपका मन है आप करो। एंड 8.4.2 भी बहुत इजी तरीके से हमने कर लिया। सिल्क इसमें इसके पाथ में सिल्क बहुत अच्छे से काम कर गई एंड मजा आया खेलने में। सिल्क आराम से लपेट रही थी सबको। 10,000 शार्ड मिले, ये क्या मिला हमें, 5% टायर 6 मिला है। आई होप आप लोगों को पसंद आए, जल्दी मिलता हूँ नई वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के।